हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बनाएंगे नवरात्र में खाया जाने वाली भाजनी, जो जिससे हम आटा बनाते हैं और उससे रोटियां भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो उपवास के चावल, जिसको साव भी बोलते हैं, जिसको महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में भगर भी बोलते हैं। तो इसको लेकर हमने धोया है और घर में पंखे के नीचे सुखाया है मैंने। अब ये सूख कर रेडी है भुनने के लिए। 1 पाव साबूदाना, 250 ग्राम साबूदाना लिया है मैंने यहाँ पे, और 250 ग्राम मैंने यहाँ पे राजगिरा लिया है, जिसको मैंने पहले से फोड़ के रखा है। लेकिन इतना राजगिरा मैं आपको फोड़ के दिखाऊंगी कि घर पे ही उसकी लाई कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया है और कढ़ाई अब हमारी गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे ये राजगिरा थोड़ा 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 करके डालना है फ्रेंड्स हमें राजगिरा को। और देखिए हमारी लाई कैसे बन रही है। अब ये हमारी लाई बन रही है तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने बची हुई लाई राजगिरा इसमें डाल दी है। आप देख सकते हैं उसकी लाई कैसे बन रही है। मैंने फोड़ के इसीलिए रखी है पहले से, ताकि वीडियो लंबा ना बने। अब हम एकदम मीडियम फ्लेम पे इस साबूदाना को भुनेंगे। साबूदाना हमें क्रंची टेक्सचर में चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा साबूदाना अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़े से फूल भी गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए साबूदाना को हमने डिब्बे में निकाल लिया है। अब हम भून लेंगे ये उपवास के चावल को। इसको भी हमने मीडियम से लो गैस पे ही भूनना है और अच्छे से क्रिस्पी करना है। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर इस आटे को आप स्वीट डिश में यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें जीरा मत डालिए। और अगर इसकी सिर्फ रोटियां और पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इस भाजनी के आटे में आधा कटोरी जीरा यूज कर सकते हैं, जिसको आप भून के इसके साथ ही पिसवा सकते हैं। मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि मैं ये आटा स्वीट डिश में भी और तीखे डिश में भी यूज करती हूँ। तो अगर आपको यूज करना है जीरा तो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारे उपवास के चावल अब भून के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। इसको गर्मा गर्म दो उंगली में उठाइए और बस क्रश कीजिए। अगर आटा बनने लगे तो समझिए कि तो समझ जाइए कि ये आपके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसी कढ़ाई में ये जो पहले साबूदाना भून के रखा है इसको भी शिफ्ट कर देंगे। अब इसको अच्छे से हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। गैस को हम बंद कर देंगे अभी। अब ये पूरा ठंडा होने के बाद एक डिब्बे में ये राजगीरा और ये साबूदाना और उपवास के चावल मिक्स करके, या तो आप घर पे पीस सकते हैं मिक्सी के छोटे जार में, या फिर आप चिक्की से भी इसको पिसवा के ला सकते हैं। ये आटा पूरे 1 साल तक अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।